भाई घपला, ये तो भाई चाट लगाया हुआ है। प्लेन के अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, देखो बैक साइड से दिखाता हूँ आपको, ये देखो सर, ये देखो यार, मतलब इतने बड़े प्लेन बनाया है। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हो ऑलराउंडर बॉय एएसआर। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट, तो अभी चलते हैं कॉलेज की तरफ, लेट्स गो। तो जस्ट अभी भी कॉलेज में पहुंचा हूं। कॉलेज में शांति बहुत है, हमारे कॉलेज में ना बच्चे बहुत कम है, एकदम शांति हो रखी कॉलेज में। अभी चलते हैं क्लास के अंदर। देखो अंशु भी आ गई काफ़ी टाइम के बाद, ये 10-15 दिन ना अपनी बहन की शादी में थी भाई, पूरा खा पी के आई है। तो अभी पीछे देखो हमारे सामने वेयर हाउस दिख रहा होगा ना, अंदर हमारे प्लेन खड़ा हमारे कॉलेज का, तो दिखाते हैं आपको, ऐसे देखते रहिए। ये है देखो प्लेन का टायर, देखो कितना बड़ा, आगे आ जाओ आगे आ जाओ, ये देखो मेरी हाइट से भी बड़ा है काफ़ी ज़्यादा, देखो यार बहुत भारी टायर है यार ये तो। गेट भी दिखाते हैं आपको, ये है हमारे प्लेन का गेट, पर इसके पीछे तो प्लेन नहीं है, प्लेन अंदर है, ऐसे टेंशन मत लो, प्लेन भी दिखाएंगे। देखो कितना बड़ा गेट है यार, हमारा पहले ना एयरक्राफ्ट का था कॉलेज में, बंद हो गया, अभी अंदर लेके चलते प्लेन दिखाते हैं, ठीक है। प्लेन ही है हमारे साथ, ये तो हमारे फ्रेंड्स भी आए हैं, ये इतनी पता कहाँ से है हम, वो देखो हमारा पिछली साइड कॉलेज है ना, वहाँ से पैदल आते 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 हम यहाँ पहुंचे। ये देखो बैक साइड हमारे प्लेन है, दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। प्लेन ठीक है, इसको अभी हम स्टार्ट भी करेंगे, देखते हैं पहले। ये देखो ये इसके पंख है, देखो कितने बड़े पंख है भाई, उसके बाद इधर आ जाओ, देखो कितनी ज़्यादा हवा भरी पड़ी है, ये बस उड़ने के लिए तैयार है, बस थोड़ी देर में उड़ा देना, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ये इसके फ्लैप्स हैं, मेरी हाइट हाइट जितने फ्लैप्स हैं इसके। आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ, इधर भी दिखाते हैं। आई थिंक ये दरवाजा खुला पड़ा है, खुला है देखो, ये देखो पूरा एन अंदर से देखो पूरा एन मस्त है। ये देखो थोड़ा सा अंदर आ जी, ये होता है ठीक है, ये देखो यहाँ पे होता है ये प्लेन, इससे ऊपर को करेंगे ना हमने उड़ाया हुआ। मेरी ना एयरफोर्स की एनसीसी थी तो मुझे थोड़ा बहुत पता है, ये जो नीचे पैरों में फ्लैप्स लग रखे होते हैं ना, ये जो आगे वाला होता है ना व्हील, उसको इधर उधर करने के लिए, और ये है टेक ऑफ करने के लिए, ठीक है जितना मुझे पता। और ये है वॉकी टॉकी, हेलो 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 माइक टेस्टिंग। तो ये मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ बैक कैमरे से, प्लेन के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखो बैक साइड से दिखाता हूँ आपको, ये देखो सारा सेटअप ऐसा है। को ये लगा हुआ है एल्टीट्यूड का, मतलब कहाँ जा रहा है प्लेन, वेस्ट में जाएगा कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में। फिर उसके बाद ये टेम्परेचर का, ये इसका वो थ्रोटल होता है जिससे जैसे हम इसको अंदर को करेंगे डाउन चले जाएगा, इसको ऊपर को करेंगे ऊपर चले जाएगा। फिर उसके ये जालों पर ध्यान मत दो, और ये होते हैं फ्लैप्स, इससे प्लेन का आगे वाला टायर इधर उधर मुड़ता है। ये दो होते हैं ना, दो पायलट इकट्ठे एक बार में ड्राइव कर सकते हैं, ये छोटा वाला पायलट इधर है, बड़े वाला इधर और छोटे वाला इधर। और यहाँ पे और क्या क्या है, पानी की बोतल भी पड़ी है भाई, ये देखो वाह, ये ऐसा सीन है, सेटअप ऐसा है अंदर से। ये पीछे पीछे दो बंदे बैठ सकते हैं। ये था हमारा प्लेन, ये इसका गेट ठीक है, यहाँ से हमने इसको खोला था और यहाँ से कर देंगे हम बंद, बंद हो गया। तो इधर आ जाओ, ये पहले ना एयरक्राफ्ट का था हमारे कॉलेज में ठीक है, तो बच्चे इन पे प्रैक्टिकली यहीं से करते थे सारा प्रैक्टिस। और ये भी इन्होंने मतलब प्रोजेक्ट बना रखा फ्लाइंग कंट्रोल मॉकअप, मतलब प्लेन का सेटअप ही है ये, जैसे मैंने बताया था आपको फ्लैप्स, ये देखो इकट्ठे दो पायलट यूज करते ना एक बार में से, ऐसे ऐसे सिस्टम है, देखो आओ और इधर आ जाओ। ये एक तरह का ना इन्होंने वो बना रखी, बॉडी नहीं होती प्लेन की सिर्फ बाहर की, देखो पूरा फ्लैप आगे से वो स्टेयरिंग लगा रखे हैं साथ में, ये गैस जो गैस निकलती है प्लेन के पीछे से करके वो बनाएंगे। ये क्या है, ये लाल बत्ती, रेड थे ब्लू बत्ती, पीसीआर थी। आज कॉलेज के अंदर यहाँ पे रूम में साफ सफाई हो रही है, सारे हमारे आंटी कॉलेज के सारे अभी साफ सफाई कर रहे हैं पूरे अच्छी तरीके से, और चमका देंगे देखना एक अच्छी तरह से। ये पता क्या है, क्या लग रहा है, ये वो है जब लैंडिंग नहीं होता प्लेन तो उसके जो होते हैं व्हील्स, ये तो छोटे काफ़ी हैं, पर ये ऐसे जैक सा घूमता है फिर एकदम से प्रेशर बसता है नीचे, ठीक है। आओ इधर भी दिखाते हैं आपको, ये पड़े फ्लैप्स, इसके फ्लैप्स पड़े हैं प्लेन के, ये शोकर शॉर्टकट शोकर, भाई कितने बड़े बड़े शोकर, इतने तो मेरे बाइक के भी नहीं है। मुझे लगता है ये शायद ये प्लेन का स्टेयरिंग है, नहीं है स्टेयरिंग, स्टेयरिंग तो होता ही नहीं है प्लेन में। आ जाओ इधर आ जाओ, ये क्या एक्चुअल सिलेंडर वगैरह है, बहुत कुछ है यार, बहुत ज़्यादा कुछ है। इंजन दिखाते हैं आपको, इंजन कितना बड़ा है, आओ इंजन बड़ा बड़ा जाएगा, आ जाओ आ जाओ, कैमरा मैन अंशु है, कैमरा मैन बहुत अच्छी से वीडियो बना, इंजन भाई सारे वो लग रखे हैं यार, इंजन तो काफ़ी बड़ा है यार। ये भी है कुछ थ्रोटल थ्रोटल टायर है, अरे प्लेन में देखो कितनी सारी चीज़ें लग रखी होती है ना, हमें तो सिर्फ हम छोटी सी टिकट देते हैं और उसके अगर प्लेन थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो जाके फिर खत्म, गुड बाय टाटा गया। ये बेसिक इंजन माना, बेसिक इंजन है ये, पर भाई
प्लेन में किक कब से आ रही है ये बता दो भाई। तो भाई इन्होंने आपने देखी कभी प्लेन में किक? भाई प्लेन में हॉर्न देखा है कभी? मतलब यार कुछ भी चल रहा, छोड़ो यार। तो यार ये देखो स्कूटर का इंजन, भाई कर दे स्टार्ट, कर दे यार। थोड़े टाइम बाद ना प्लेन में कूलर भी लगाना, अभी चल रहा है उस पे काम चल रहा है गर्मियों के लिए ना, प्लेन के अंदर एक कूलर रख देंगे। हाँ तो इधर वाला भी गेट खोलते, इधर से तो चले गए थे, इधर से तो नहीं गए, इधर से भी। ये देखो मस्त है यार, मतलब इतने बड़े प्लेन बनाया है, उसमें पता सिर्फ बंदे कितने बैठ सकते? 6, 2 आगे, 2 तो पायलट ही हो गए और पीछे 4 बंदे। अरे अरे भाई ये देखो, अब तुम्हारा भाई वो जो धमाल फिल्म में नहीं था वो वाला प्लेन है, यहीं से तो गया था, फिर बाद में हमने हमारे कॉलेज वाले धमाल वालों को दिया था। तो अब सीधा गोवा लैंड कराऊंगा, डब्ल्यू के नीचे एक सोना पड़ा है ना, पता है ना। देखो जाले भी लगे हैं प्लेन में, बेचारा थोड़े से साफ कर देते भाई, एक ना एक दिन तू भी उड़ेगा, टेंशन मत ले, यही उड़ाएगी। चल तू पीछे डिक्की में बैठ, इधर देखो इसको हम डिक्की में बैठाएंगे, चल। अरे बंद कर दिया, मैं कैसे निकलूंगा बाहर? अंदर से है कोई रास्ता खोलने का? लॉक हो गया ये, देखो यहाँ से लॉक है इसका, है? अच्छा ये है यार, ये देखिए इसको बंद करना एक बार। हाँ ये हो गया बंद, जोर से मारना, और यहाँ से ये लॉक हो गया। अबे ये तो खुल गया। बैठ इसके अंदर, 50 वाली टिकट में इतनी जगह मिलेगी भाई, है कि नहीं? जल्दी घुस घुस घुस, वीडियो बना रहा है भाई, टेप से जोड़ रखा है, थोड़ा सा टूट गया था। अरे भाई घपला, ये तो भाई चाट लगाया हुआ है, घपला है भाई। इसके ऊपर बैठ के स्लाइड करते हैं, ये नया प्लेन आया बाजार में। हाँ देख ये फ्लैप्स होते हैं, इसकी वजह से तो प्लेन ऊपर को जाएगा, अगर ये नीचे को होगा ना तो प्लेन ऊपर को जाएगा। अरे यार प्लेन पे बिट किसने कर दी, तेरे काम है। अरे यहाँ चाबी लगनी है, चाबी तो है नहीं यार, चाबी किसके पास होगी? अरे मालिक साहब आ गए साहब, माफ कर, चाबी था मेरे को। अरे यार, अरे सर चलो चलो आप कहीं। ओ सर अभी चाबी से स्टार्ट करेंगे सर, सर क्यों बेच रहे भाई? भाई देखो प्लेन के अंदर सप्लाई हो रही है भाई, यार मेरा सामान यहाँ, रोटी वाला पोना मेरा, छोड़ो यार यहाँ रख दो छुपा के। पैसे ढूंढ रही है इसके अंदर भी, तो देख लो लालच नहीं खत्म होगा इनका कभी। चलान होगा आपका, आप हेलमेट लगा के क्यों नहीं चला रहे प्लेन को? मेरे को कागज आएगा यार, प्लेन के कागज भी लेके घूम रहे हैं यार भाई, सही है यार। इन्हें भी लगे हुए भाई, वॉकी टॉकी कहाँ है इसका? वो वॉकी टॉकी हुआ है वो, देखो पूरा वॉकी टॉकी, ये लीड सी जो लगी। चलो 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 चंडीगढ़ आ जाओ फटाफट बैठो, इतने सवारियां फर जाएंगी यार हमारे प्लेन में, जल्दी बैठो, आ जाओ चंडीगढ़ मोहाली। इन मिलते अगले आपसे ब्लॉग में। इसके अंदर गए थे हम, इसके अंदर था हमारा प्लेन, अब ये इसके टायर टूर थे, अब यहाँ से चलते हैं, वहाँ से आए थे वो, वहाँ से देखो ये वहाँ से देखो हमारा ब्लॉग, वो सॉरी लाइव, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव था ना, वहाँ से देखते देखते आ गया बेचारा, पर तब तक तो मेरा हंसी बंद हो गया पीछे। चल कोई बात नहीं भाई, मेरे ब्लॉग में देख ले, ठीक है भाई। इशु मेरे लिए लेके आई है गिफ्ट, ये देखो दारू की, मतलब ये वाली केरिंग, ये गुरुद्वारे से लेके आई है। तो अभी यहाँ से चलते हैं कॉलेज से घर, तो फिर ऐसे देखते वही है। चलो वही है गली में फिर से, मैं अभी कॉलेज से आ रहा था ना इस रास्ते, ये यहीं से जाता ना मैं, ये फिर से शूट करने लगे यार डेली मतलब। तो भाई अभी आ गया जिम से, तो करते हैं आज का ब्लॉग खत्म। तो सारे यार सब्सक्राइब कर दिए करो, जितने भी देखते हो यार देख के चले जाते, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, क्या जा रहा है तुम्हारा, और बेल आइकन भी, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।